बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये अगेन हेयर केयर के ऊपर है। आप लोगों को याद होगा जो मैंने अपना हेयर कट का ब्लॉग शेयर किया था, उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर लेना। वहाँ पे मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि मेरा हेयर कट मैंने कितना शॉर्ट करवा लिया था, इतना करवा लिया था। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी सारे हेयर केयर के ऊपर वीडियो ला रही हूँ, हेयर मास्क ला रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे अपने बालों पर बहुत अच्छे से फ़र्क नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो कि अभी मेरा जो ये फ्रंट लेयर है जो मैंने पिन से लगा रखा है, ये अभी सबसे छोटा यहाँ तक है। जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है कि सबसे शॉर्ट लेयर मतलब मेरा मल्टी लेयर हेयर था, तो उसको सबसे शॉर्ट लेयर जो है वो ये है। अब मैं इसको धीरे धीरे इक्वल करवा रही हूँ और देखो, और मेरा सबसे जो बड़ा लेयर है अब इतना पे आ चुका है, काफ़ी अच्छा लेंथ मेरा हो चुका है। क्योंकि मेरे हेयर कर्ली है इसलिए ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि कर्ली हेयर लंबे भी होने के बाद कम समझ में आते हैं। तो इसी सेगमेंट में मैं एक और वीडियो लाई हूँ। आज का जो वीडियो है आप देखोगे तो एकदम मतलब बहुत इजी रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं। और ये रेमेडी इतनी इफेक्टिव है ना, इतनी इफेक्टिव है कि आप वन टाइम सिर्फ यूज़ करो। आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप यूज़ करो और देखो वन टाइम में ही आपको फ़र्क नज़र आएगा। काफ़ी अच्छा उससे आपके बालों का टेक्सचर हो जाता है। आप मेरे बालों को देख रहे हो, काफ़ी स्पिटल्स थे मेरे बालों पे और धीरे धीरे यहाँ पे बाल भी आने शुरू हो गए हैं। और लेंथ तो आप देख ही रहे हो कि मेरी लेंथ बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रेमेडी जो है ये बालों का टेक्सचर को भी सही नहीं करता, बल्कि ये आपके हेयर ग्रोथ को काफ़ी इम्प्रूव करता है, बालों में बाउंस लाता है। तो मेरे बाल कर्ली बेशक है लेकिन मेरे बाल बहुत हल्के हैं, बहुत पतले हैं। ऊपर से मैंने मल्टी लेयर में स्टेप कट करवाई है तो मेरे बाल बहुत हल्के दिखते हैं। लेकिन जब से मैं ये रेमेडी ट्राई कर रही हूँ तब से मेरे बालों में बाउंस नज़र आता है, मेरे बाल काफ़ी अच्छे दिखते हैं। मतलब अब मुझे फिर से अपने बालों से प्यार होने लगा है धीरे धीरे। जैसा शादी से बहुत टाइम पहले था, जब मैं कैलकटा में रहती थी तो वहाँ का पानी बालों के लिए बहुत अच्छा है, वहाँ के पानी से बाल खराब नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ का जो पानी है ये बहुत ही गंदा है, पानी बालों के लिए बहुत बुरा पानी है, मतलब बिल्कुल ख़राब है। और यहाँ के पानी में भी मेरे बाल अच्छे दिखते हैं। तो मैं इसमें बहुत खुश हूँ कि आप हार्ड वाटर में भी आपके बाल, आप जब ये रेमेडी यूज़ करोगे ना तो आपके बाल हार्ड वाटर में भी अच्छे दिखेंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। और अगर आपको ये कुर्ती अच्छी लग रही है तो ये मैंने अमेजोन से लिया था 299, अंडर 299 के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप देख सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कटोरी चावल ली है। ये चावल आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे बासमती, चाहे नॉर्मल, चाहे कोई भी चावल जो आपको ठीक लगे। इसको जस्ट मैंने अच्छे से धो लिया है, साफ पानी से धो के, और दो तीन पानी से इसको धोना है। और मैंने यहाँ पे धो लिया है अच्छे से एंड इसको धो के फिर साफ़ पानी में रख के इसको फर्मेंट होने के लिए हमें छोड़ना होगा। इसका एक ये हेयर मास्क का एक दूसरा मेथड भी है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। अब इसे हमें 2 घंटा छोड़ना है इसे ऐसे ही, और इस चावल को आप 2 घंटे छोड़ देंगे, 2 घंटे बाद ये फर्मेंट हो जाएगा और इसका पानी अलग हो जाएगा। अब ये पानी मैंने अपने स्प्रे बोतल में डाल लिया है। इसके बाद हमें चाहिए 2 विटामिन ई के कैप्सूल। तो ये विटामिन ई के कैप्सूल मैं इस बोतल में डाल रही हूँ एंड दोनों डाल दिया। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, मीन्स कमर तक है, तो आपको 3 या 4 आप विटामिन ई के कैप्सूल ले सकते हो। अब इसे अच्छे से सेक करके मैं अपने बालों पर अच्छे से इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो कॉटन बॉल के सहायता से भी लगा सकते हैं, बट मेरे पास स्प्रे बोतल था तो मुझे इसे ज़्यादा इजी लगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे आपके स्कैल्प में लगाना चाहते हो इसको। इसको अच्छे से आपके स्कैल्प में लगाना है, पूरे सर पे आपके स्कैल्प में अच्छे से लगाना है। और स्कैल्प में लगाने के बाद आपको हेयर में भी अच्छे से लगाना है, एकदम सिरे तक लगाना है अच्छे से, जितनी आपकी हेयर की लेंथ है सब पे अच्छे से लगाना है। और इसको लगाने के बाद जब आपके पूरे हेयर में ये लग जाए, स्कैल्प में लग जाए, तो आपको इसको मसाज करना है। मसाज भी करने का अगर तरीका आपको चाहिए प्रॉपर तो आप मुझे कमेंट करना, मैं मसाज करने का तरीका बताऊँगी, सेल्फ हेड मसाज कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं फास्ट फॉरवर्ड में अपना मसाज दिखा रही हूँ,
लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। तो ये भी आप देख सकते हो, कम से कम 10 मिनट आपको मसाज करना है एंड इसको अपने सर पे 20 मिनट रखने देना है और 20 मिनट के बाद आपको अपने फेवरेट शैम्पू एंड कंडीशनर से इसको वॉश कर लेना है। और इसके बाद आपको, अगर आप कोई हेयर सीरम यूज़ करते हो तो उसे ज़रूर अप्लाई करना। तो देखा आपने कितना अच्छा रेमेडी ये है, बहुत ही इजी है, कुछ भी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये आपके बालों को एक्स्ट्रा नरिश करेगा, आपके बालों को प्रोटीन देगा, आपके बाल एकदम सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। और अगर आपके बाल स्ट्रेट है तब तो कहने ही क्या, कर्ली बाल है तो थोड़े मतलब काम तो वहाँ भी करेगा लेकिन वो दिखते कम है, कर्ली बाल दिखते नहीं है ना ज़्यादा अच्छे से, लेकिन स्ट्रेट बालों में बहुत अच्छा उसका जो उसकी जो चमक है वो दिखती है। तो आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करना, ध्यान रखना कि ये रेमेडी आप वीकली एक बार ज़रूर ट्राई करना और आप चार सप्ताह में ही देखोगे, चार वीक में ही देखोगे आपके बालों का टेक्सचर। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ही यूज़ करने से आपको उसका रिजल्ट पता चल जाएगा और जब 4 वीक आप यूज़ करोगे तो आपके बाल मतलब एकदम अलग लेवल के हो जाएंगे। तो ये रेमेडी इतनी अच्छी है कि ये ना सिर्फ हेयर के टेक्सचर को ठीक करता है बल्कि हेयर को ग्रो भी करता है, हेयर ग्रोथ आपकी डबल ट्रिपल हो जाती है। मेरे जैसे लोग जिसका बाल बिल्कुल नहीं बड़े होते हैं, मतलब इतने बड़े तो मुझे 2 साल में मेरे बाल होते हैं, इतना एक साल में इतने बड़े होते थे, अब वो बाल आप देख सकते हो 2 महीने में इतने बड़े होने शुरू हो गए हैं। तो मैं इससे काफ़ी खुश हूँ कि जब घरेलू चीज़ों से ही, होम रेमेडीज से ही आपके बाल का अगर टेक्सचर अच्छा होता है तो हमें क्या ज़रूरत है बाहर के इतने एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने के लिए। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक देना और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करना और अगर आप मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट जो है आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।